राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान एक बार फिर चर्चा में है। वसुंधरा राजे ने इशारों इशारों में अपने धुर विरोधियों पर इस बयान के जरिए जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि जीवन संघर्ष भी एक समुद्र मंथन के जैसा है, जिसमें से अमृत ही निश नहीं विष भी निकलता है। उस विष को पीने वाला ही सच्चा शिव भक्त होता है। मुझे गर्व है कि मैं शिव भक्त हूँ और शिव के सहारे हूँ। अलवर में शिव महापुराण कथा के समापन वसुंधरा राजे शामिल हुई थी। एक ट्वीट के जरिए राजे ने कहा कि जैसा महाराज जी ने बताया, मनुष्य और मौसम की एक राशि है, ये दोनों कब बदल जाए पता नहीं चलता, लेकिन हाँ सभी मनुष्य एक जैसे भी नहीं होते। आपको बता दें, राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान जग जाहिर है। वसुंधरा राजे समर्थक लगातार सीएम फेश घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे के धुर विरोधियों का कहना है कि चुनाव में पीएम मोदी ही चेहरा बनेंगे और चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार ये कहते रहे कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है, वो अद्भुत है। उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ और उज्जैन में महाकालेश्वर का भव्य कॉरिडोर बनवाया, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया है। राजे ने कहा कि मैं मानती हूँ कि भगवान शिव की मोदी जी पर बड़ी कृपा है, इसलिए उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका मिला। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, इसलिए यदि शिव को अपनाना है तो सत्य पर रहो, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK News।